नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करने वाले हैं। बता दें, भारतीय समय के मुताबिक व्हाइट हाउस में रात 8:30 बजे पीएम मोदी बाइडेन की द्विपक्षीय मुलाकात होने वाली है। साथ ही जानकारी दे दें, राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन की पीएम मोदी से ये पहली मुलाकात होगी और ऐसे में बाइडेन से मुलाकात के बाद पीएम मोदी व्हाइट हाउस में ही क्वाड यानी कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ रात 11:30 बजे बैठक करेंगे। इस बैठक के दौरान चीन, पाकिस्तान और तालिबान पर नकेल कसी जाएगी। इस दौरान क्वाड देश कैसे चीन के खिलाफ आर्थिक से लेकर सामरिक मोर्चे पर चक्रव्यूह तैयार कर सकते हैं, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। क्वाड देशों की कुल अर्थव्यवस्था 2284 लाख करोड़ रुपए है, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था 1105 लाख करोड़ है। क्वाड देशों के एक्टिव सैनिकों की संख्या 31,55,000 है, जबकि चीन की एक्टिव सेना सिर्फ 21,85,000 है। इसी तरह क्वाड के पास कुल 17,257 सैन्य एयरक्राफ्ट हैं, जबकि चीन के पास सिर्फ 3260 सैन्य एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। क्वाड के पास 1,082 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि चीन के पास सिर्फ 327 हेलीकॉप्टर्स हैं। क्वाड के पास 11,800 से ज्यादा टैंक्स हैं, जबकि चीन के पास 3205 सिर्फ टैंक्स हैं। क्वाड के पास 111 सबमरीन हैं, वहीं चीन के पास 70 से ज्यादा सबमरीन हैं। तो ऐसे में सैन्य लिहाज से क्वाड के चारों देश चीन पर भारी हैं, इसीलिए चीन क्वाड से चिड़ा हुआ है। चीन की हुकूमत क्वाड को एशियाई नाटो भी बता चुकी है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्वाड आखिर है क्या जिससे चीन इतना चिड़ा बैठा है। क्वाड क्या है? दुनिया के नक्शे पर भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक चतुर्भुज बनाते हैं, इसीलिए ये एक क्वाड कहा जाता है। इन देशों के बीच ही आता है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का वो हिस्सा जहां चीन अतिक्रमण करना चाहता है, और इसीलिए इसी इलाके में उसने म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका जैसे देशों को सैनिक सुविधाएं दी हैं और म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में पोर्ट तक बनाए। लेकिन चीन के दिन अब बदलने लगे हैं, क्योंकि विकास के नाम पर विनाश लीला का जो प्लान चीन तैयार कर रहा है उस पर क्वाड लगाम लगाने में सक्षम है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि पीएम मोदी का यह दौरा भारत के लिए कितना खास माना जा रहा है और पाकिस्तान और चीन क्यों पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से इतना झिलमिलाए हुए बैठे हैं, और इसीलिए आज जो बाइडेन से पीएम मोदी की रात को 8:30 बजे मुलाकात होने वाली है, इसीलिए पूरे दुनिया भर की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज महराजगंज और में भ्रमलीन गोरक्षक पीठ विदेश्वर महंत अवैद्यनाथ की पुण्य स्मृति कार्यक्रम में पहुंचेंगे। यहां पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री गोरक्षक पीठ अधीश्वर महंत अवैद्यनाथ महाविद्यालय चौक बाजार महराजगंज में भ्रमलीन महंत की दिव्य प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। बता दें, भ्रमलीन गोरक्षक पीठ अधीश्वर महंत के जीवन में दो ही सपने थे, पहला ऊंच नीच, जाति पाति और छुआछूत, और ऐसे में इसको खत्म कर सामाजिक समरसता की स्थापना करना, और दूसरा अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण करना। इन दोनों ही सपनों को पूरा करने के लिए वो ताउम्र मिशनरी भाव से जुड़े रहे थे। जानकारी के मुताबिक दोपहर 2:45 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महराजगंज के चौक पर नगर पंचायत में पहुंचेंगे और शाम 4:15 पर केंद्रीय रक्षा मंत्री गोरखपुर एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान भी करेंगे। तो बता दें, आज महराजगंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं, और ऐसे में साथ ही बता दें कि राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। भ्रमलीन महंत की दिव्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, तस्वीर देख सकते हैं, इसी प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा और उनके साथ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। सीएम और
राजनाथ सिंह दोनों ही मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, दोपहर 2:45 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महराजगंज के चौक नगर पंचायत में पहुंचेंगे और शाम को 4:15 पर केंद्रीय रक्षा मंत्री गोरखपुर एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे। तो ऐसे में आज दोनों ही महराजगंज पहुंचने वाले हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से तैयारियां की जा रही है और इसी मूर्ति का अनावरण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री खुद इस मूर्ति का अनावरण करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बता दें कि चौक बाजार महराजगंज में ब्रह्मलीन महंत की इस दिव्य प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। साथ ही ब्रह्मलीन गौरक्षक पीठ अधीश्वर महंत अवैद्यनाथ के जीवन में दो ही सपने थे, पहला ऊंच नीच जाति पाति और छुआछूत और अपरिष्टता को कृति को खत्म कर सामाजिक स्मृता की स्थापना करना, दूसरा अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण कराना। इन दोनों ही सपनों को पूरा करने के लिए वो ताउम्र मिशनरी भाव से जुड़े रहे थे। जानकारी के मुताबिक बता दें, करीब 3 बजे के करीब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महराजगंज के चौक नगर पंचायत पर पहुंचेंगे और शाम को 4:15 पर केंद्रीय रक्षा मंत्री गोरखपुर एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। चलिए, लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी, आज महराजगंज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं और राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि जो समय दिया गया था उसके आधार पर वो पहुंच चुके हैं और लगातार के कई जगह पे प्रोग्राम महराजगंज में पेश किया गया है। 2-4 स्कूल है वहां पर भी जाएंगे, राजनाथ सिंह भी पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही साथ कुछ स्कूल के बच्चों से भी इनकी मुलाकात होनी है और शिक्षा को लेकर भी कई जगह पे की ऐसे बातें बताई जा रही हैं कि बैठक होगी, खासतौर से टीचर से भी मुलाकात की जाएगी। कुछ कार्यक्रम इनके स्टेप बाय स्टेप गांव को लेकर भी बताया जा रहा है, वहाँ के जो प्रधान है उनसे भी उनकी मुलाकातें की जाएगी, लेकिन समय सीमा भी इसके बारे में बताई नहीं गई है। जी बिल्कुल रूबी, और मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, अब से थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे, तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं? रूबी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तैयारी को लेकर देखिए, रात से ही खास तौर से इंतजाम किया गया था और बताया यही जा रहा था कि ये काफी लगातार दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ, और ऐसे में केंद्रीय मंत्री जब साथ में आ जाते हैं तो जिम्मेदारियां काफी बढ़ जाती हैं, और ऐसे में खास तौर से वहाँ के जो जिले के SP होते हैं, DM होते हैं, बागडोर अपने हाथ में लेके रखते हैं और कार्यक्रम को खुद अपनी निगरानी में कराने की पूरी कवायद होती है। अब राजनाथ सिंह खुद पहुंचेंगे और उसके साथ साथ CM पहुंचेंगे, तो ऐसे में जो तैयारियां हैं खास इंतजाम करके रखे गए हैं और जो पैनल तैयार किया गया है कार्यक्रम का, उसके तहत समय सीमा जो है वो काफी ड्यूरेशन देखा जा रहा है कम रखी गई है। हालांकि लखनऊ में भी योगी थोड़ी देर पहले इनकी बैठक हुई थी यहाँ पे, उसके बाद सीधे उनका महराजगंज के तरफ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और अब बताया ये भी जा रहा है महराजगंज के पास से उनके जितने भी गोरखपुर है या फिर वहाँ से आसपास के जो भी जिले लगते हैं, लगातार अब उनका उस तरफ के दौरा शुरुआत हो चुकी होगी। जी चलिए रूबी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो महराजगंज का आज CM योगी आदित्यनाथ का दौरा है, उनके साथ राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। ऐसे में जानकारी के मुताबिक दोपहर 2:45 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महराजगंज के चौक नगर पंचायत में पहुंचेंगे और शाम को 4:15 पर केंद्रीय रक्षा मंत्री गोरखपुर एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। CM योगी आदित्यनाथ का कल गोंडा दौरा है, जहां पर मुख्यमंत्री गरीब कल्याण दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जानकारी के मुताबिक CM योगी का हेलीकॉप्टर कल दोपहर 1:55 पर कटरा बाजार विकास खंड में बने हेलीपैड पर लैंड करेगा, जहां से दोपहर 2 बजे से 2:40 तक मुख्यमंत्री गरीब कल्याण दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचेंगे, जिसके बाद दोपहर 2:45 पर मुख्यमंत्री कटरा बाजार में बने हेलीपैड से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं बता दें कि गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अचानक आगमन पर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ तैयारियों में जुट गया है और जिले के तमाम आला अधिकारी लगातार कार्यक्रम स्थल और हेलीपैड का निरीक्षण कर रहे हैं।
तो ऐसे में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा पहुंचेंगे, जहां पर तैयारियां की जा रही हैं। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से जब अचानक उनके आगमन की खबर जिला प्रशासन को मिली तो पूरी मुस्तैदी के साथ जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। लगातार हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक का निरीक्षण किया जा रहा है। किसानों द्वारा किसान बिल के विरोध में पूरे देश में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं अब लखीमपुर खीरी में किसानों द्वारा बकाया भुगतान को लेकर प्रदर्शन किया जाने लगा है। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला लखीमपुर खीरी के संपूर्ण नगर किसान सहकारी चीनी मिल का है, जहां पर क्षेत्रीय किसान बकाया भुगतान को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में जानकारी के मुताबिक किसान सहकारी चीनी मिल पर किसानों का तकरीबन 84 करोड़ रुपए गन्ना भुगतान बकाया है, जिसको लेकर बीते दिनों से किसान चीनी मिल गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल मामले में नवागत चीनी मिल के जीएम ने किसानों से बातचीत कर जल्द ही बकाया भुगतान कराने का आश्वासन भी दिया है। अभी मैंने कुछ समय पहले ही ज्वाइन किया है यहाँ पर, और ज्वाइन करते ही जैसे ये समस्या सामने बताई गई उसके बाद लगातार प्रयास जारी है और समन्वय स्थापित करके शीघ्र ही इस समस्या का निराकरण किया जाएगा। और इसमें सरकार की तरफ से पहले से ही प्रयास चल रहे थे और अभी शीघ्र ही इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। किसान की जो भुगतान की समस्या है उसका काफ़ी हद तक निराकरण हो जाएगा। 10 दिन में इसका निराकरण जो है यथासंभव पूरा प्रयास है कि कर सकें, और इसमें सभी का सहयोग है। और पहले से ही इसका प्रोसेस चल रहा था, जो स्थानीय मतलब किसान हैं उनको भी इसके बारे में अवगत कराया जा रहा है कि शीघ्र ही जो है हम इस समस्या का निराकरण करें। फतेहपुर के सिठियानी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भारी बारिश के चलते अचानक एक मकान की छत गिर गई। बता दें कि छत गिरने से इस हादसे में एक दादी और पोते की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक गांव के ही रहने वाले एक परिवार के मकान की छत भारी बारिश के चलते अचानक गिर गई, जिसके चलते एक महिला और 5 वर्षीय बच्चा मलबे में दब गया। वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने जैसे तैसे दोनों को मलबे से निकाला, पर तब तक दोनों की जान जा चुकी थी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और राजस्व टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो फतेहपुर का पूरा मामला है, लगातार बारिश होने की वजह से मकान की छत गिरने से ये हादसा हो गया, जिस दौरान इस हादसे में बता दें दादी और पोते की जान चली गई है, और ऐसे में मलबे में दबने की वजह से दोनों की जान गई। और साथ ही बता दें कि मौके पर जब पुलिस पहुंची और राजस्व टीम पहुंची तो अब मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। आगरा के थाना पिडौरा क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में 18 साल के युवक ने पेड़ पर फांसी का फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। वहीं जैसे ही इसकी जानकारी परिजनों को मिली तो परिजनों में कोहराम मच गया। अभी खुदकुशी का कारण साफ नहीं हुआ है। वहीं पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। तो आगरा का पूरा मामला है, जहाँ पर 18 साल के युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। हालांकि युवक ने कदम क्यों उठाया
इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन जब जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई है। आगरा के अचनेरा के गांव में परिषदीय विद्यालय में शिक्षिकाओं की डांस पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें शिक्षिकाएं फिल्मी गानों की धुन पर थिरकती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते शिक्षिकाओं की डांस पार्टी से शिक्षा विभाग पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसी के साथ ही ठुमके लगाते हुए शिक्षिकाओं के वायरल वीडियो पर खंड शिक्षा अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस दिया है और रश्मि सिसोदिया, जीविका कुमारी, सहायक अध्यापिका प्राथमिक विद्यालय सांदन को 2 दिन में नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। ऐसे में जवाब संतोषजनक नहीं होने पर शिक्षिकाओं पर विभागीय कार्रवाई भी किए जाने की बात कही गई है। तो आगरा का ये पूरा मामला है, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से शिक्षिकाएं फिल्मी गानों पर ठुमके लगाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि इस पूरी वीडियो जब ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो शिक्षा अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है, साथ ही 2 दिन का समय दिया है कि 2 दिन में इस नोटिस का जवाब दें और अगर ऐसे में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उन पर आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग पर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। अमेठी के शिवरतगंज थाना क्षेत्र में एसटीएफ लखनऊ और एसओजी प्रभारी विनोद यादव के संयुक्त प्रयास से मुखबिर की सूचना पर 25,000 रुपए के नामिया बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोल्ट, लूट के 3700 रुपए नगद और 1 पैन कार्ड भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि यह हिस्ट्री शीटर लूट के अभियोग में फरार और वांछित चल रहा था। साथ ही पकड़े गए हिस्ट्री शीटर के खिलाफ अमेठी और बाराबंकी में लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने बदमाश को जेल भेज दिया है। तो अमेठी का ये पूरा मामला है जहां पर पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है और ऐसे में पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बदमाश के पास से काफ़ी सारा सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि बाराबंकी और अमेठी में लगभग इस बदमाश के खिलाफ 1.5 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। फिलहाल अब पुलिस ने इसको जेल भेज दिया है। आगरा के पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र में संदिग्ध वायरल बुखार का कहर लगातार बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। वायरल बुखार के चलते 2 बच्चों की इलाज के दौरान ही जान चली गई। वहीं पिनाहट के चांदनी चौक की 5 साल की बच्ची और मेदीपुरा की 4 साल की बच्ची के बुखार के चलते इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं बच्चों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें वायरल का कहर गाँव-गाँव में फैल रहा है जिसके चलते लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो आगरा हो, फिरोजाबाद हो, मथुरा हो या तमाम ऐसे जिले हैं यूपी में जहां पर इस समय वायरल फीवर और डेंगू का कहर देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में 2 छोटे-छोटे बच्चों की इस डेंगू और वायरल फीवर की वजह से जान चली गई, जिसके बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जानलेवा साबित ये हो रहा है वायरल फीवर, लगातार इस वायरल फीवर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अब दिन पर दिन इसके मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, लोगों की और स्वास्थ्य विभाग दोनों की ही चिंता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो कोशिश की जा रही है उसके बावजूद भी मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। फतेहपुर में मामूली कहासुनी के चलते 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर भी चले और इस मारपीट में महिलाओं समेत कई लोगों के सर पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं इस दौरान बीच बचाव करने पहुंचे ग्रामीण भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस
मारपीट का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो अब जमकर वायरल हो रहा है। बता दें, मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खकरेड़ू थाना क्षेत्र के हकीमपुर खंतवा का डेरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो फतेहपुर का ये पूरा मामला है, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दो पक्षों में मारपीट हुई और बारिश भी लगातार पड़ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी दो पक्षों में मारपीट चलती रही। तस्वीरें देख सकते हैं लाठी डंडों से किस तरह से एक दूसरे पर कि वार किया जा रहा है, ईंट पत्थर का इस्तेमाल भी किया गया है। मथुरा के नौहझील थाना क्षेत्र के गांव पारसौली में एक महिला द्वारा अपने पुत्र को रस्सी से बांधकर बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक मां अपने मासूम बच्चे को रस्सी से बांधकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर रही है। इसके साथ ही वीडियो में देखा जा सकता है कि एक अन्य महिला अपने बच्चे को पीट रही माँ को ऐसा न करने के लिए कह रही है, लेकिन बेरहम मां लगातार बच्चे को पीटती रहती है। जानकारी के मुताबिक वीडियो जनपद मथुरा के नौहझील थाना क्षेत्र के गांव पारसौली का है, जहां एक मां अपने बच्चे को एक जगह बिठाकर किसी काम से घर से बाहर चली गई थी, लेकिन जब वो वापस लौटी तो बच्चा खेलते खेलते दूसरी जगह पर पहुंच गया था, जिससे नाराज होकर माँ ने अपनी ही मासूम को रस्सी से बांध कर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो मथुरा का यह पूरा मामला है, तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से एक बेरहम मां ने अपने मासूम छोटे से बच्चे को रस्सी से बांध दिया और उसके बाद उसकी खूब पिटाई की। महोबा में दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक दबंग ने एक सिपाही की सरेआम पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक दबंग शराब पीकर उत्पात मचा रहा था और उसे रोकना सिपाही को महंगा पड़ गया। शराबी दबंग ने जमकर सिपाही की पिटाई कर दी और सिपाही की वर्दी भी फाड़ दी। वहीं अब शराबी के उत्पात और सिपाही से मारपीट का वीडियो सामने आया है। ऐसे में मामले में पुलिस ने आरोपी दबंग ब्रजेश के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि सिपाही गुलमार्ग पार्क में ड्यूटी पर तैनात था, जिस वक्त ये मारपीट हुई। चरखारी कोतवाली क्षेत्र के गुलमर्ग पार्क का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रामपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए एक खतरनाक मगरमच्छ को पकड़कर पूरे गांव में अर्थी यात्रा निकाली गई। जानकारी के मुताबिक मामला जिले के शाहबाद क्षेत्र का है, जहां बीते कई दिनों से एक मगरमच्छ ने क्षेत्र में आतंक मचा रखा था, जिसको ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया और उसकी अर्थी यात्रा निकाली और पूरे गाँव में उसे घुमाया। बता दें कि मगरमच्छ जिंदा है, जिसे अर्थी पर यात्रा निकालने के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग के हवाले कर दिया। वहीं अब मगरमच्छ की इस यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो रामपुर का यह पूरा मामला है, जहां पर मगरमच्छ को पकड़ा और उसके बाद ग्रामीणों ने उसकी अर्थी पर यात्रा निकाली। ऐसे में कई दिनों से इस मगरमच्छ का आतंक देखा जा रहा था। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यात्रा मगरमच्छ की निकाली जा रही है। हालांकि ये भी बता दें कि मगरमच्छ अभी जिंदा है, बाद में यात्रा निकालने के बाद मगरमच्छ को वन विभाग के हवाले कर दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉल इंडिया।